हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में जो आई है इंडियन ऑयल यानी IOCL की तरफ से, जो एक एक परमानेंट जॉब है, सदी के साथ ही एक्सपीरियंस भी है। तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं, आपको वीडियो को देख लीजिए किसी तरीके से वैकेंसी आती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाती है। तो ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपको उसी तरफ से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अब वैकेंसी हमारी वैकेंसी के बारे में डिटेल जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे वीडियो के लास्ट तक। वीडियो के लास्ट में हाफ आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगी, यानी आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसी तरीके से जॉब अपडेट्स और जनरल साइंस एंड केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट तो इंडियन ऑयल के ही है, इंडियन ऑयल यानी IOCL का है। तो यहाँ पर देख लीजिए, टॉप में उन्होंने लिखा रखा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी डिवीजन हल्दिया रिफाइनरी, जो है वेस्ट बंगाल का हल्दिया रिफाइनरी है, उसी तरफ से वैकेंसी निकल कर आए हैं, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके आज से 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जो कि 21 दिसंबर तक चलेगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हल्दिया रिफाइनरी जो कि वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, तो उसी वैकेंसी निकल कर आए हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग नंबर देख लीजिए। ओके, और उसके साथ ही साथ ही अप्लीकेशन डेट यहाँ पे 7 दिसंबर से स्टार्ट होकर 21 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं आप। कहाँ से जाकर ना, जो ऑफिशियल वेबसाइट www.IOCL.com ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ती है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल एट हल्दी रिफाइनरी। तो ठीक है, हल्दी रिफाइनरी एक्सपीरियंस चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। देखिए क्या क्या वैकेंसी उन्होंने लिखा है, देखिए कंप्लीट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, पोस्ट कोड 203 206 207, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए उन्होंने वैकेंसी निकला है, जो कि टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पे 3 है, वो एक ऑन रिजर्व के लिए है, एक ST के लिए है, एक OBC के लिए है। ठीक है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 3 वैकेंसी है, और PW के लिए भी रिजर्वेशन है यहाँ पे। तो उसी तरह आपसे जूनियर क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट IV के लिए भी उन्होंने एक वैकेंसी रखा है, और फायरमैन सेफ्टी जूनियर असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी रखा है उन्होंने। तो देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है, सैलरी कुछ अच्छा यहाँ तक लिखा रखा है, सैलरी बहुत ही अच्छा होती है, 25,000 से लेकर 1,05,000 तक आपकी दिया जाएंगी। तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम है, सिर्फ 5 वैकेंसी है, कोई बात नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो वैकेंसी है वो ब्लॉकिंग वैकेंसी है, मेनली पिछले साल आया था लेकिन वो क्लब नहीं हो पाया, तो इसलिए एक आपको इसको फिर से अप्लाई करने नोटिफिकेशन उन्होंने लेकिन निकला है। ठीक है, तो आगे बढ़ती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वहाँ पर देख लीजिए आप। तो वैकेंसी देख लीजिए, कुल मिलाकर 5 वैकेंसी है, जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी, क्वालिटी कंट्रोल एनालिटिक के लिए 1 वैकेंसी, फायर सेफ्टी के लिए 1 वैकेंसी। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, फिजिकल क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट कोड 203 के लिए आपके 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफ एक्सपीरियंस इन LT एंड HT ऑपरेटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी चार्जर एट्सेट्रा, इलेक्ट्रिकली सिस्टम में आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से जूनियर क्वालिटी कंट्रोल IT4 के लिए, जो कि पोस्ट कोड 206 के लिए, BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मिनिमम 50 मार्क होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिक एक्सपीरियंस है किसमें ना, हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइक HPLC, XRF, WDRX, जो आपकी जो बंदा ने इसको एक्सपीरियंस पास कर रखा है उसके लिए तो अच्छा मौका है, उन्होंने
आराम से अप्लाई कर लीजिए, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं कोई बात नहीं, आप सी पर वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आने वाले टाइम में आपको जब वो अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तो आप ज़रूर इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से लास्ट अपडेट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर सेफ्टी के लिए भी मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी में हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सारे के सारे प्रश्न, मिनिमम 1 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा मांगा है, जूनियर क्वालिटी के लिए BSc मांगा है और फायर सेफ्टी के लिए उन्होंने मैट्रिक प्लस HBDL मांगा है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी फिजिकल वेट क्या होना चाहिए, चेस्ट क्या होना है और साथ ही साथ ही वेट मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सारी यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इंस्ट्रक्शन आपके लिखा है, SST के लिए क्या क्या डिप्लोमा होल्डर के लिए क्या होना चाहिए, उसे सारी चीज़ें उन्होंने लिखा रखा है। ठीक है, आपके पास यदि यानी एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अच्छा मौका है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस है चाहे वो तो क्वालिटी एनालिटिकल है, तो आप आराम से अप्लाई कर दीजिए IOCL ऑफिसर ऑफिस जाकर। ओके, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो ठीक है, आप देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद मेडिकल व फिजिकल टेस्ट आपकी होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। तो इसी तरीके से आपको और सारा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, आपको IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com ऑफिशियल जाकर कैरियर सेक्शन में जाना है, उसके बाद लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में जाना है, अप्रेंटिस पे नहीं है, जॉब जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हॉलीडे रिफाइन के रिक्वायरमेंट बाय लिंक निकलती है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ से मेल कर सकते हैं, अथवा आप दिया गई नंबर में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक बार इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लीजिए, तो जो स्टार्टिंग ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा तो 7 दिसंबर को कब तक चलेगा, वो 21 दिसंबर तक चलेगा। आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगा 3 जनवरी को, आपकी रिटर्न हो जाए भी रिटर्न एग्जाम होगा 8 जनवरी को, तो ये फिक्स डेट है, कोई भी उसमें गलती नहीं होगी IOCL का, तो ध्यान रखीजिए। आप इसी तरह से आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, उसके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए और अच्छा से पढ़ के IOCL में जॉब ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा मौका होती है। यहाँ पे देखिए सैलरी कितने बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, 25,000 से लेकर 1,05,000 आपकी सैलरी बनेगा उसमें बीच में, तो रिवाइज सैलरी है, तो बहुत ही अच्छा खासी जॉब होती है। तो फिर से आप कह रहे हैं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को देख लीजिए, आने वाले टाइम में आपको बहुत काम आएंगे। आपके पास एक्सपीरियंस है तो जॉब को ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड फायर सेफ्टी पोस्ट के लिए। पोस्ट बहुत ही कम है लेकिन कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने की आपकी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैबिट को आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मैं ये डिस्क्रिप्शन और ऑफिशियल अप्लाई करने का लिंक, IOCL का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन का नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई जरूर कर देना, 21 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारी साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हर तरीके का कम्पिटेटिव वीडियो जॉब अपडेट आपके लिए हम लेते रहूँगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ आपकी सोशल सर्कल में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलती है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।